बीती रात अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। दरअसल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद वहां आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। रेल अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच गया। ये घटना बीते शनिवार की रात रामघाट हाल्ट और अयोध्या धाम जंक्शन के बीच हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आने वाली सभी ट्रेनें प्रभावित हुई। मालगाड़ी गोरखपुर से कटरा होते हुए बाराबंकी की ओर जा रही थी। मालगाड़ी को पटरी पर लाने के बाद अब मरम्मत का काम जारी है ताकि दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो। बताते चले कि इस घटना से रेल यातायात पर काफी असर पड़ा। लखनऊ तक मालगाड़ी के पटरी से उतरने का असर दिखा। लखनऊ रूट की कई ट्रेनों का संचालन इससे प्रभावित हुआ। मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारण कटरा, दर्शन नगर और बनारस रूट पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। लखनऊ रूट से चलने वाली ट्रेनों को बदले गए रूट से भेजा गया। शाम को बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुटी रही। कैफियत एक्सप्रेस, गंगा सतलज और ऊंचाहार एक्सप्रेस को जाफराबाद, वहीं मरुधर और दरभंगा क्लोन को बदले हुए रूट बाराबंकी गोरखपुर के रास्ते गंतव्य को भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।